संघर्ष करना पड़ा, एग्जाम के लिए संघर्ष करना पड़ा और परिणाम के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसलिए युवाओं को राहत दी जाए, इसी महीने में जल्द परिणाम जारी किया जाए। पीटीआई भर्ती में जो फर्जीवाड़ा सामने आया कि जो डिग्री अचानक बढ़ गई हजारों की संख्या में, उन फर्जी लोगों को पार किया जाए और इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक है मोटर वाहन ऑफिसर उनका परिणाम भी जारी किया जाए और जो नई 1 लाख भर्तियों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की थी, चाहे वो प्रोग्रामर हो चाहे सूचना सहायक हो, वो 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करके वो भर्तियां निकाली जाए। और जो जिस प्रकार बेरोजगारों को उलझाया जा रहा है, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां हैं, वो विसंगतियां लाई जा रही है, जो लंबित भर्तियां पूरी नहीं की जा रही, तो आज बोर्ड का हमने घेराव करके हमने मांग की है कि जल्द से जल्द कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी किया जाए, पीटीआई में जो फर्जी डिग्री आ रही है उनको सख्ती से जांच करके उनको बाहर किया जाए और तमाम जो मांगे हैं 1 लाख भर्तियों की जो घोषणा की उनका वर्गीकरण करके जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए। आज हमने बोर्ड का घेराव किया है और साथ में हमारे कई साथी विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, तो वो किसी वर्ग के साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, हमने किसी वर्ग के साथ गलत आवाज उठाई है, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां भी दूर की जाए, हम उनका भी पूरा समर्थन करते हैं। और साथ में आज हमने ऐलान कर दिया है कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय में जो चुनाव का ऐलान किया था, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सीधा सरकार से लड़ेंगे, दो दो हाथ सरकार से करेंगे, क्योंकि अब गुजरात पूछ कर रहे हैं किस तारीख को, 18 तारीख को हमारी टीम निकल जाए।